press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 जुलाई 2020 को तीसरा ग्रहण लगने वाला है। तो ग्रहण काल की जो समय काल अवधि है वो कितनी रहेगी और ग्रहण काल का सूतक काल है वो कितना रहेगा, ग्रहण काल के समय ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से हमें कोई दोष नहीं लगता, और ग्रहण काल से पहले यानी कि सूतक काल के समय ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम सभी को कर लेने चाहिए, ग्रहण काल के बाद यानी कि जैसे ही ग्रहण काल समाप्त होता है तो हमें कौन सा दान करना चाहिए और सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए, और जो ग्रहण काल के बाद यानी कि ग्रहण काल के समय जो 6 राशियां हैं जो मालामाल होने वाली हैं वो कौन कौन सी राशियां हैं, उनको कौन कौन से धन प्राप्ति के अवसर देखने को मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 5 जुलाई 2020 को आप सभी जानते हैं कि पूर्णमासी के दिन यानी कि रविवार की सुबह 8:37 से ग्रहण जो है वो प्रारंभ हो रहा है और 11:22 तक यह ग्रहण रहेगा, यानी कि इसकी जो कुल अवधि है 3 घंटे 45 मिनट तक रहेगी। और 4 जुलाई यानी कि सूतक काल का जो समय है 4 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा रात्रि 11 बजे से, और जो समाप्त होगा सूतक काल यानी कि ग्रहण काल के बाद यानी कि 5 जुलाई 11:22 पर इसकी समाप्ति होगी, सूतक काल की समाप्ति। तो अब बारी आती है कि ग्रहण काल से पहले यानी कि सूतक काल के समय ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और जो कर लेने चाहिए। तो सूतक काल पहले ही प्रारंभ हो जाता है, सूतक काल के समय कोई भी पूजा पाठ है वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सूतक जैसे ही लगता है तो हमें कोई भी अपना जो मंदिर है उसमें या तो आप कपड़ा ढक दें, यदि कपड़ा है, यदि आपने कोई पर्दा बना के रखा हुआ है तो आप पर्दा ढक दें। और देखिए, आप सभी देखते होंगे कि जैसे ही ग्रहण काल शुरू होता है, सूतक लगता है, सभी मंदिरों के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई कष्ट भगवान को ना मिले और भगवान भी ग्रहण काल के दर्शन ना कर पाए। तो अब बारी आती है कि सूतक काल से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए। सूतक काल से पहले हमें तुलसी दल को तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में और सूतक के समय तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है और सूर्य देव को भी जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसलिए हमें तुलसी दल तोड़कर पहले ही रख लेना चाहिए। तुलसी दल पहले तोड़कर रखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो भी घर में काफ़ी सामान ऐसा होता है खाने पीने का लिक्विड, ऐसा मैं सूखे खाने पीने के सामान की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी आप खाना पहले से बना कर रखते हैं या जो भी बना हुआ रखा हुआ है आपके फ्रिज में, आपके रसोई घर में, या फिर आपका जो पीने का पानी है, जो घड़ा भी है, तो वो दूषित हो जाता है, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि दुष्प्रभाव उसमें लग जाता है। तो सूतक जैसे ही शुरू होता है, सूतक लगने से पहले ही आप सभी खाने पीने के सामान में तुलसी का पत्ता आप जरूर डाल दें, जिससे कि वो दूषित ना हो। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए, यदि आपके पास तुलसी दल है तो तुलसी दल रखिए, यदि दुर्वा या घास है आपके पास, आप जानते हैं कुसा, तो आप कुसा का पत्ता भी तोड़कर आप अपने खाने पीने के सामान में रख सकते हैं। और गंगाजल भी पवित्र माना जाता है, कहते हैं कि तुलसी दल, गंगाजल, दुर्वा कभी भी दूषित नहीं होते, बासी नहीं होते, इनमें कोई भी दोष नहीं लगता है, सावण हो, सूतक हो, ग्रहण काल हो, तो ये पवित्र चीज़ें मानी जाती हैं, तो आप ये ज़रूर कीजिए। और गर्भवती जो भी महिलाएं हैं वो धार वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि चाकू, छुरी, कैंची, सुई, आप इन चीज़ों का भूल कर भी प्रयोग ना करें। जो भी आपके गर्भस्थ में यानी कि गर्भ में जो भी शिशु पल रहा है, कहते हैं कि यदि आप ग्रहण काल के समय ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो आपके बच्चे पर कोई ना कोई कट का निशान, कोई ना कोई ऐसा निशान आपको देखने को ज़रूर मिलेगा जब भी आपका बच्चा पैदा होगा। तो आप मेरी बहनें भूल कर भी ऐसा मत कीजिए। और ग्रहण काल के समय कहते हैं कि जो वृद्ध यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और जो काफ़ी छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, इन तीनों को छूट मिलती है कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि इनका ध्यान रखना विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है।
तो गर्भवती महिलाएं हैं, आप कोई भी लिक्विड चीज़ ले सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखें उसमें तुलसी दल आप अवश्य डालें। और जो बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं है, आप उनका ध्यान रखिए। और ग्रहण काल के समय यानी कि सुतक काल लगा हुआ है और ग्रहण काल शुरू हो चुका है, तो ग्रहण काल के समय आप जितना आपको मंत्र आता है, कोई भी मंत्र है, कोई भी आपका ग्रंथ है, आपके पास कोई भी ग्रंथ है यानी कि कोई रामायण है, दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, या कोई भी आपको याद है इनमें से, तो आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, और देखिए चंद्रमा का भी एक मंत्र है, तो मैं आपको बता दूं यदि आपको याद होता है तो आप याद कर लें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। यह चंद्रमा का मंत्र है, यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो चंद्रमा का कोई भी दोष यानी कि चंद्र ग्रहण का कोई भी दोष आप पर नहीं लगता है। और एक चंद्रमा का मंत्र और है, आप इसको भी नोट कर लें, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का भी आप जरूर जाप कीजिए। कहते हैं कि चंद्रमा के मंत्र का जाप करने से हमें हजारों लाखों गुना फल मिलता है, और कोई भी चंद्र ग्रहण के समय दोष होता है वो हमें नहीं लगता है। और चंद्रमा का जो गायत्री मंत्र है, यदि आपको वो भी आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः अमृतंगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। तो आप ऐसे आप स्तुति कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, मूर्तियों को स्पर्श मत कीजिए, पर्दा है आपके मंदिर में उसको ढक दीजिए, और बिना मूर्तियों को स्पर्श किए आप भजन सत्संग कीर्तन ऐसा कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं जो छह राशियां हैं वो मैं बताऊंगी कि ऐसी कौन सी राशियां हैं, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि इतने जल्दी जल्दी ग्रहण पड़ने से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। दिसंबर में भी सूर्य ग्रहण लगा था, उसके बाद से ही कोरोना वायरस की जो बीमारी है, कोरोना बीमारी वो आई हुई है, और अब भी पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप का आना, बिजली का कड़कना, तेज़ जोर से तूफानी बारिश का आना, और ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इनके होने के बावजूद भी जो छह भाग्यशाली राशियां हैं उन पर यदि चंद्रमा मेहरबान है तो यह काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि ऐसी कौन सी वो छह भाग्यशाली राशियां हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वृश्चिक राशि की, तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि चंद्रमा है वो आप पर मेहरबान है। आप कोई भी व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। धन में आपको वृद्धि होते नज़र आ रही है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ज्योतिष कह रहे हैं। आपका जो ये राशि है, राशि के हिसाब से आपको ये सब संकेत देखने को मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी में आपको मुनाफा मिलेगा, घर परिवार में खुशियाँ मिलेंगी, और व्यवसाय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको उच्च स्थान की प्राप्ति मिलेगी। अब बारी आती कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों पर भी जो चंद्रमा है वो मेहरबान है, अपनी कृपा है वो बरसाए हुए हैं, तो सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसको आपको लगता है कि हाँ मुझे इस कार्य को करना चाहिए और मैं इसे अच्छे से ही पूर्ण कर सकता हूँ। किसी के कहने पर आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको पछताना पड़े। पारिवारिक जीवन आपके लिए बेहतर होने वाला है। यदि आप बैंक से कोई भी लोन लेने की सोच रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आपको आपकी राशि के हिसाब से बैंक से लोन मिलता नज़र आ रहा है, तो आप लोन ले सकते हैं। और राजनीतिक कार्यों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, और विचार आपके जो उच्च स्तरीय हैं वो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रेम संबंध में मधुरता देखने को मिलेगी, और जो भी कार्य आपका वाद विवाद चल रहा है, जिस भी कार्य में आपका वाद विवाद चल रहा है वो ख़त्म होते नज़र आ रहा है। तो तुला राशि वाले हैं वो भी खुशी से झूम उठेंगे, क्यों तुला राशि है, तो तुला राशि है, चंद्र ग्रहण आप पर शुभ दृष्टि डाले हुए हैं,
आपकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और कहीं से भी अचानक से आपको धन प्राप्ति के अवसर हैं वो मिल रहे हैं, आपको कहीं से भी अचानक से धन मिलेगा। सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित होते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी है आपको थोड़ी सी आ सकती है, तो आप ध्यान रखें। अंत में मैं आपको, तुला राशि वाले हैं या आप में से जो भी राशि में कोई दोष है, तो मैं अंत में आपको इनके दोष का निवारण भी बताऊंगी, आप बने रहें। तो कुंभ राशि वाले हैं तो कुंभ राशि वालों भी मालामाल होंगे, धन पैसों की कोई कमी नहीं होगी। चंद्र ग्रहण काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। आपकी आर्थिक स्थिति है जो वो सुधरेंगी। आपकी जो वाणी है उस पर आप नियंत्रण रखें, ऐसा ना हो कि आप अपनी वाणी से किसी दूसरे को कोई अपशब्द बोल दें और आपको कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि चंद्रमा है आप पर मेहरबान है। धन के आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिल रहे हैं और आपकी जो सामान्य स्थिति है पहले से बेहतर होगी। और सिंह राशि वाले जो हैं उनको भी काफ़ी लाभ मुनाफा मिल रहा है। धन दौलत पैसों में कोई कमी ना रहेगी और धन दौलत में वृद्धि होती नजर आ रही है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। आपको कार्यक्षेत्र में दोस्तों का, परिवार का सहयोग मिलेगा। आपका जो मान सम्मान है काफ़ी बढ़ेगा। बिजनेस आप कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम भी आप कर सकते हैं। किसी पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं तो वो काम भी आप बेझिझक होकर कीजिए। स्वास्थ्य पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ परेशानियां आपको देखती नज़र यानी कि मिलती नज़र आ रही हैं। मानसिक पीड़ा हो सकती है तो उसका उपाय मैं आपको बताऊंगी बाद में। किसी के बोलने से पहले आप सोच समझ कर दूसरों को आप जवाब दें, ऐसा ना हो कोई परेशानी हो। लेकिन धन दौलत है, ऐश्वर्य आपके कदम चूमती नज़र आ रही है। वृषभ राशि वाले हैं, विशेष लाभ साबित होने वाला है आपके लिए भी। धन दौलत में वृद्धि होती नज़र आ रही है। बिना किसी परिश्रम के गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। और जो भी यदि आप करते हैं तो जो आपके बॉस हैं, आपका जो पद है उसको ऊंचा पद करते नज़र आ रहे हैं। आपकी जो जॉब है वो आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको आपके पार्टनर का भी सहयोग मिलता नज़र आ रहा है। संबंध यानी कि संबंध आपके जो मधुर हैं वो बनते नज़र आ रहे हैं। राजनीति में उच्च स्थान की आपको प्राप्ति हो सकती है। मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी होगी। अब बारी आती है मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जो भी हैं, आपके रुके हुए जो काम हैं काफ़ी दिनों से रुक रहे हैं, तो आपको वो सारे काम है पूरे होते नज़र आ रहे हैं। आपके सभी कार्य पूरे होंगे और बार बार आपको अवसर मिल रहे हैं आपके कार्य पूरे करने के, तो आप ज़रूर उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो आपके काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं। यदि आप सोने चांदी का कोई भी व्यापार करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती नज़र आ रही है आपकी। यदि आप पीतल का या किराने का कोई भी काम करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, तो इसमें भी आपको धन प्राप्ति यानी कि लाभ नज़र आ रहा है। इस ग्रहण के समय देखिए सभी राशियां जो विशेष ध्यान दें, जो मैंने बताया अभी जो 6 राशियां हैं उन पर चंद्रमा की काफ़ी कृपा दृष्टि बनी हुई है। लेकिन जो राशियां बची हुई हैं उनका मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि उन पर जो दोष है तो उनको दोष से बचने के लिए कौन सा दान करें और किस चीज़ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप दान दक्षिणा जरूर करें, स्नान करना बिल्कुल ना भूलें। और जब भी आप माताएं बहनें पुरुष जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेरी बहनें हैं ऐसे ही स्नान कर लें, आपको सर धोकर ही स्नान करना है ग्रहण की समाप्ति के बाद, ताकि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ना रहे। सभी ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए, चंद्र ग्रहण की शुभ प्राप्ति आपके ऊपर बनी रहे। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद मैं आपसे यही कहूँगी कि यदि आपके पास कोई पवित्र नदी या कोई तालाब, घाट, पोखर है तो आप उसमें स्नान कीजिए। उसमें स्नान करना सबसे उत्तम बताया गया है। यदि ये भी नहीं है तो आप अपने घर में स्वच्छ जल में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। सारे घर में पोछा लगाइए, गंगा जल के छींटे आप अपने सभी सदस्यों के ऊपर और अपने पूरे घर के अंदर गंगा जल के छींटे लगाइए, जिससे कि पूर्ण रूप से आपका और आपके घर का, पूजा के मंदिर का शुद्धिकरण हो जाए। और ग्रहण के बाद सफ़ेद बनी हुई चीज़ें, चावल से बनी हुई खीर और तिल का आप दान जरूर कीजिए। गरीबों को वस्त्र दान दीजिए,
कन्याओं को भोजन कराइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।